आइसक्रीम कौन खाएगा? मैं। अकेली? नहीं, हम सब आइसक्रीम खाएंगे आज। मैं भी आइसक्रीम लेके आई। क्या हुआ? अब हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे ना? ऐसा लगता है कि हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। दरवाजा खोलो, क्यों बंद किया हमें यहाँ? खोलो! चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, वो नहीं खोलेंगे। बंद क्यों किया है? कोई मस्ती की तुम लोगों ने? तुम लोगों का आई बाबा कहाँ है? हमारे आई बाबा तो है ही नहीं। हम सबको रिमांड होम से लाकर यहाँ बंद किया है। मैं तो अपने घर के बाहर खेल रहा था, मेरी आई अंदर गई। उतने में दो आदमी आए और मुझे उठा कर यहाँ ले आए। मैं तो मेले में अपने बाबा के साथ घूम रहा था, जब बाबा कुछ लेने गए उतने में किसी ने मेरे सर पे कपड़ा डाल दिया। जाग कर देखा तो मैं यहाँ पर था। अब सब लोग ने देखा, कौन है आपको यहाँ? नहीं, क्यों यहाँ बन गया वो भी नहीं बोला? किसी को कुछ नहीं पता, एक दिन से बंद है हम सब यहाँ पे। कुछ खाने को भी नहीं दिया, पानी भी नहीं देते। कितनी बार चिल्लाया, दरवाजा ठोका, लेकिन कोई नहीं आता। पानी चाहिए। झूठ बोल रहा है कि मेरी आई जिंदा है। मैं तेरी आई के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उसके बाबा कल तेरी आई से मिलने भी जाने वाले हैं। गाड़ी तैयार रखना, बहुत सुबह सुबह सफेद वाली गाड़ी से जाएंगे। मैं तो अपनी आई को ढूंढने आई हूँ। मेरी आई यहाँ है, वो जिंदा है, ऐसा बोला था। झूठ बोला था क्या? मैं पापा के पास चली गई, मेरी आई नहीं है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, झूठ बोला मैंने तुमसे। पता नहीं कितने सालों से चल रहा है आपका झूठ का यह सिलसिला। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? आप आर्या की आई के साथ नहीं थे? ला, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? यकीन मानो, मैंने जो कुछ भी किया है ना, अपने परिवार को बचाने के लिए किया है, परिवार की रक्षा के लिए किया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी नहीं। तुम्हारी जगह और कोई होता तो वैसे भी रिएक्ट करता। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप अपनी सफाई में? मेरा, मैं आर्या का, अर्जेंट फोन लग रहा है, उठा लीजिए। मुझे कुछ पता चला? नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोई खिड़की भी नहीं है, कैसे बाहर जाएंगे? तो दरवाजा तोड़ने के लिए भी कुछ नहीं है।
हमें तो निकलना पड़ेगा ना यहाँ से। कैसे निकलेंगे? ज्यादा गैस छोड़ना, इनमें से अगर कोई भी होश में आ गया तो हमारे लिए लफड़ा हो जाएगा। ये देख, भाऊ ने इसी के लिए हमें वार्निंग दिया था, डेंजर आइटम बोलकर। क्यों, इसे ही ज्यादा डोज दे दूं क्या? अरे क्या रे तू भी, भाऊ को नेता बनना है इसलिए थोड़ा ज्यादा ही संभल कर चल रहे हैं। बाकी तू ही देख इसे, देख कितने आराम से सो रही है, क्या ही बिगाड़ने दी है फोन का, एक मक्खी तक नहीं मार सकती और यह फोन पर भारी पड़ने वाली है। देख सब पहले से ही डरे हुए हैं, सबको बांधते हैं और रात के अंधेरे में चुपचाप लेके निकल लेते हैं सबको। ए, मेरे को सच सच बता, क्या बोला था आर्या को? बाबा मैंने तो कुछ नहीं बोला था, आई सफर वो खुद आई मेरे पास और बोली कि एकलव्य ने सुना कि मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था कि आर्या क्या है जिंदा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तूने कहा था कि आर्या क्या है जिंदा है, और तेरे बाबा ए दप्पा बस, आगे एक शब्द और नहीं, समझला? मैं झूठ नहीं बोल रहा, आर्या तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं क्यों उसे ऐसा कुछ कहूंगा जिससे वो मुसीबत में आ जाए। तन्मय मेरे सामने बोल रहा था। यहाँ कोई तेरी बात पर विश्वास करे या ना करे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तन्मय कर सकता है ऐसी हरकत, अपने बाप पर जो गया है। अरे वाह, क्या सोच है आपके घर में, कोई भी लफड़ा हुआ इल्जाम सीधा सत्या पे लगाने का, और अभी कोई नहीं मिला तो पोते पे, ये पट्टा मारे ना आपके ऊपर, उसको निकालो थोड़े टाइम के लिए बाबा। इधर आ, इधर आ, अभी कसम खा के बोल अपने बाप की, बोल तूने आर्या को बोला था क्या उसकी आई जिंदा है? नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन चुप, उसने अपने बाबा की कसम खाई है। हो गई तसल्ली, हो गई? ने बवाल उस दिन जई को कमरे में बंद करके उसे जलाने की कोशिश की, ये देखो ये मेरे तन्मय की नाक काटी उसने। उस लड़की को उसी दिन सुधार घर में भेज देना चाहिए था, भरोसा करके यही होता है। बस कस्तूरी, बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा। ए तन्मय, मैं जानता हूं तो इसमें इन्वॉल्व है, आर्या कहां गई है ये मैं पता लगा के रहूंगा, और तू भी सुन ले सत्या, तुझे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे मेरे दिमाग में, और यकीन मान हर सवाल का जवाब निकाल के रहूंगा मैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ? क्या मतलब? आर्या, आर्या ए माझी जीव, आऊ आऊ, तू तो नहीं आई। उठो सब जल्दी।
हेलो ए आप है ना हमारे फैमिली मैटर में अपनी टांग मत अड़ाओ आप उधर रहो हम लोग मैनेज कर लेंगे एक बच्ची गुम हुई है किसी की भी हो उसे ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी है खासकर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेताओं की वैसे ये इलाका तो आपका है ना भाऊ साहेब बुलाते हैं सब आपको आपकी तो खास जिम्मेदारी है सबको सुरक्षित रखने की लेकिन कोई बात नहीं अब मैं यहां आ गई हूं ना आई विल मेक श्योर कि मेरे होते हुए आर्या को कुछ ना हो अंकुश जी मैंने पुलिस को एक्टिवेट कर दिया है आपके बेटी को ढूंढने की मैं पूरी कोशिश करूंगी आर्या हमें मिल जाएगी ये मेरा वादा है आपसे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़